हाँ भाई सब बढ़िया। नहीं क्यों, मैं तो बता दूंगा तुम्हें, मैं तो बता दूंगा बढ़िया क्यों है क्यों नहीं है। तुम लाइक नहीं करते हो, लाइक करो और आदिवासी हेयर ऑयल लगाओ, साले तुम भी गंजे हो जाओ, यही मेरी दुआ है भाई मुनव्वर के लिए। देख रहे, अरे मालूम है मुझे, तो झूठी सही तारीफ तो कर। नहीं मतलब लेजेंड मजाक नहीं कर रहा, टॉप ऑफ दी कमेंट होते हैं ना, उसमें कमेंट था भाई तेरी वीडियो ना मैं मुनव्वर की वजह से देखता हूँ। अरे मालूम है मुझे, मेरे जले पे नमक क्यों घिस रहा है, मुनव्वर के लिए देख रहा है, बट जला मत यार मेरे को, मैं भी घर भी उसी की वजह से चला रहा हूँ, इतना बोलने की जरूरत नहीं होती। कल एक कमेंट आया कि भाई कल वीडियो में मैंने बताया कि जोकर के ऊपर जोक मारा, बॉक्सिंग रिंग पे भी जोक मार देता तो अच्छा होता। कहता भाई तूने पूरी व्लॉग देखी नहीं, 3-4 बार जोक मारे उसने जोकर भैया पे। मैं कहा एक मिनट मेरे बात बात इधर, मैंने उतना ही पार्ट देखा तो बॉक्सिंग तक का, उसके बाद मैं देखने के लिए गया पता चला वीडियो गायब। अभी टाइटल बना दूंगा वीडियो डिलीटेड। अबे तुम्हें क्या लगा कल वीडियो फुटेज क्यों नहीं आई व्लॉग की, यही कारण था जो ट्विटर पे मिली वीडियो फुटेज वही बजाई है मैंने। अब मैं गया देखने के लिए, पहले मुनव्वर फारूकी पे गया, फिर मुनव्वर 2.0 पे गया, किसी पे नहीं मिली। और फिर बाद में कमेंट पड़े मैंने, अरे भाई डिलीट हो गई भाई। कहता नहीं नहीं यूट्यूब पे पड़ी। अरे डिलीट हो गई भाई, प्राइवेट कर दी उसने, मेरे पास लिंक पड़ी थी, मैं देखा प्राइवेट। क्या हो गया, मैं नहीं बताऊंगा। पहले बोला रात को डालेगा, रात में नहीं डाला, अगले दिन डाला, उसके कुछ देर बाद प्राइवेट कर दिया। क्यों, अभी ये ECL प्रमोट करना था, अभी तो ECL मेरे को, मैं तो भूल भी गया था ECL नाम की कोई चीज हो रही है। अभी ECL का कमेंट है भाई दिल्ली में हो रहा, त्यागराज वे जाएगा क्या देखने, मेरे को पता भी नहीं था, मुझे तो फुल फॉर्म भी नहीं मालूम थी। तो आज उसका कोई इवेंट था और त्यागराज यहाँ से 1 घंटे की दूरी है मेट्रो से, समझ रहे हो कितना दूर है यहाँ से, बट मैं चला जाऊँगा अगर मुनव्वर का मिलने का एक्सेस होगा ना तो व्लॉग बनाने के लिए निकल जाऊँगा, मैं कॉन्टेंट तो मैं लेके आ जाऊँगा, इतना तो मैं पक्का हूँ। हाँ तो अभी शेड्यूल वेड्यूल आया है, बट साला वो इतना घटिया स्क्रीनशॉट है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा किससे किसका मैच है। और भाई साहब मैंने देखा है कर्टन रेजर, भाई साहब पहले तो पता नहीं कौन कौन आए, बट आधे से ज़्यादा लोगों को मैं पहचानता नहीं। हर्ष बेनीवाल आया तब से मैं देख रहा था कि अभी मुनव्वर आएगा, अभी अभी मुनव्वर आएगा। मुनव्वर के टाइम पे आई क्लिप, वीडियो क्लिप 33 सेकंड की। सो हाय दोस्तों, आज मैं आपके बीच आ नहीं पाया, कुछ काम की वजह से बुरा लग रहा है, लेकिन आपके साथ ही हूँ और आपका ही साथ चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ECL के लिए और आप सबको बहुत सारा प्यार, और जल्दी आ रहा हूँ डिस्टर्ब्ड करने, क्योंकि सबको पता है अभी अपने पट्टे लोग आ चुके हैं, खतरनाक लोग, तो सबको बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच और जल्दी मिलते हैं। मैं कहा भाई पहले बता देते, मैं क्यों देख रहा हूँ, एक तो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इतनी लो क्वालिटी थी, ऊपर से मेरे को ट्विटर पर पता चल गया था सालों ने स्टेडियम में कर्टन रेजर रखा है और ऑडियंस है ही नहीं, ऑडियंस है ही नहीं। एल्विस के फैंस आवाज करो, अरे आवाज करो, मुनव्वर के फैन आवाज करो, तो आवाज करो भाई, लेजिट मेरे को सुना ही नहीं दिया कुछ भी। अभी लोग क्लिपिंग कर रहे, देखो देखो एल्विस के कोई फैन नहीं है, मुनव्वर की चिंता, अरे कुछ सुनाई तो दे पहले, बस उस बंदे की एम्बैरेसमेंट सुनाई दे थी। मैं माता जो इसमें आया। हाँ तो मुनव्वर का बस इतना पता चला कि मुनव्वर मिस कर गया। मैं कहा ये गलत बात है, अगर तुम्हें दिल्ली आना तो दिल्ली आओ, तुम हैदराबाद से मुंबई जा सकते हो उर्फी जावेद से दोस्ती निभाने के लिए, बट दिल्ली नहीं आना। अरे दिल्ली से प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, इंदौर से रखो, दिल्ली से नहीं। इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रहे हैं, देखो नाइट शूट कर रहे हैं, देखो पैकअप हो गया, बिरयानी खा रहे हैं। मैं कहा वो देख के मेरा मन कर गया बिरयानी खाने का, बट क्या करें व्यूज ही नहीं आते क्योंकि मुनव्वर गायब हो जाता है। ट्विटर पे लड़कियों के साथ फोटोज आ रही है, भाई दिल्ली नहीं आ रहा, लेकिन अभी शूट करने पता नहीं कौन सी हवेली पे गया है और मुनव्वर की जनता खुश है। देखो 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 हवेली पे शूट तो चल रहा है और अभी शूटिंग चल रही है, रिलीज नहीं हुई वेब सीरीज, बट हाइप पूरी है। मैं कहा हाइप बनाए रखो, बट उसको बोलो एक्टिव रहे सोशल मीडिया पे, मैं स्टॉक करेगा तभी तो मैं तुम तक पहुंचाएगा इन्फॉर्मेशन, वो पहुंचाने नहीं देना चाहता। अभी पूरे इवेंट में ECL के इवेंट में मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास, एल्विश यादव फुकरा इंसान, फुकरा इंसान के बारे में बुराई मैं करता नहीं क्योंकि मुझे बंदा सही लगता है। फुकरा इंसान ने टीम बनाई बैंगलोर की, मैं कहा फिर से बैंगलोर एक और ट्रॉफी हारने वाली है, वैसे ही हारने वाली है, वहां पे विराट कोहली ऐसी बदनाम है, मेरे को लग रहा फुकरा इंसान की पनौती लगी हुई है। अरे भाई इस बार ट्रॉफी जीत लेना, मैं सपोर्ट पता किसको करने वाला इस बार, एल्विश यादव को, एल्विश यादव को जिताने, मेरे को मेरी पनौती जाएगी सपोर्ट में एल्विश यादव के। फुकरा को सपोर्ट नहीं करूंगा, मुनव्वर को सपोर्ट नहीं करूंगा, एल्विश यादव को करूंगा। क्यों, क्योंकि उसने अभी इंटरव्यू में ये बोला। भाई क्या कहना चाहोगे टीम के बारे में? मैं कहना चाहूंगा यार ऐसी ऐसी दिखती है जीतने वाली टीम। भाई मुनव्वर भाई को, मुनव्वर भाई भी आने वाले हैं क्या? उनको भी ऑल द बेस्ट भाई मेरी तरफ से, कि अच्छा हारना।
अभिषेक भाई के बारे में। अभिषेक भाई अच्छा फुकरा फुकरा को इतना सेकंड बताइयो भाई। इसको मुनव्वर से दूर रखो, ये मुनव्वर जैसा जोक मारने की कोशिश कर रहा है ना, मुनव्वर जोक मारता है जो पलटी के साथ तो मजा आता है। अभी एल्विश ने मारा जोक, मेरे अंदर अभी भी परेश रावल ही था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और फुकरा इंसान से रिलेटेड मेरे को ज्यादा क्लिप मिली नहीं, क्योंकि मेरे तो जितने भी इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं या फिर मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो मुनव्वर की जनता में है, तो मुनव्वर की क्लिपिंग मिलती है मेरे को। फुकरा इंसान के लिए मेरे को क्या मिला, उसकी टीम, उसकी टीम में निश्चय है। मैंने निश्चय को क्रिकेट खेलते हुए कभी नहीं देखा। क्या तुम हर जगह पे फैमिली ले जाना जरूरी है? दीदी को भी ले आते, मम्मी जी को भी ले आते, फिर पापा जी को भी ले आओ। क्रिकेट तो खेलते ही होंगे पापा जी। यूट्यूब पे तो पूरी फैमिली आ गई है, अबे क्रिकेट खेलने का भाई चल। अरे जीतना है आरसीबी को, आरसीबी जिता देना बेंगलोर को। मुनव्वर तो फिर भी थोड़ा कॉम्पिटेटिव है, वो टीम सही बनाएगा। और सूर्यश के बारे में मैंने कहीं पढ़ा कि वो अच्छा खेलता भी है, तो चांसेस ज्यादा है। बाकी देखो मेरा सपोर्ट तो फुल एल्विश को है, तुम बता दो किसका है। और जिसने भी सवाल पूछा था ना कि मैं ईसीएल जाऊंगा कि देखने कि नहीं जाऊंगा, मैं एक मैच देखने जरूर चाह सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये नहीं मालूम टिकट कहाँ मिल रही है। तो अगर तुम्हें मालूम है टिकट कहाँ मिल रही है तो मुझे बता देना, और मैं जब जाऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो अगर तुम में से कोई आने वाला हो तो साथ में चलेंगे ना, एंजॉय मारेंगे, व्लॉग व्लॉग मारेंगे। ज्यादा लोग रहेंगे ना तो मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, मेरे स्वैग मचाएंगे ना, मचाएंगे मचाएंगे। तो क्या कल वो मैंने बताया था ना बंटाएगा, कि उसने कहा था चैनल डिलीट कर दे, अरे वो सेकंड हाफ था, मुझे अभी पता चला फर्स्ट हाफ भी उसका, कि किंग वापस उंगली किया, किंग उंगली किया कि देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गया और उसने ये बाहर की दुनिया में इतना अचीव किया हुआ है, ये यूट्यूब के बाहर भी दुनिया है। उसी पे बंटाई ने रिप्लाई किया था कि भाई मेरी अचीवमेंट मेरे को बतानी जरूरत नहीं, मेरे फैंस ही बता देंगे। और रोनाल्डो तो गोट है, और एक गोट ही जानता है पोटेंशियल प्लेटफॉर्म की। मेरे को देखो बंटाई गलत तो नहीं लग रहा, और ये थोड़ी बात हवा में उठाने वाली बात है कि रियल वर्ल्ड ऑनलाइन वर्ल्ड सब सब हुतिया वाली बात है। अभी डिस्ट्रैक आज है कल या आज रात 12 बजे और नहीं आए ना इस बार, तो भाई गॉड दो तीन बंदों ने कमेंट किया था, मैं वापस जाऊंगा पुरानी वीडियो पे, मैं देखूंगा किसने कमेंट किया था कि भाई इस बार पक्का आएगा, और फिर जान बूझ के गालियां दूंगा भाई सब। कल मैंने ज्ञानी पे सेजल एक्स करके बंदी है उसके ऊपर रिएक्ट किया था, उस बंदी ने अचीवमेंट बता दिया उस चीज को, मुझे नॉस्टैल्जिक अंकल बोल के। मैं क्या करूं, अब मेरे समझ में नहीं, मैं उस पर रिप्लाई करूं कि नहीं करूं। मैं अंकल ही ठीक हूं, सब अंकल ही बोला करो, अंकल गैंग बोलो, अंकल मुझे कमेंट करो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। कोई ढंग का कमेंट किया करो, बोलने में आसानी होगी, वरना मेरी वो जले पे नमक डालने की जरूरत नहीं होती। मुनव्वर लव किंग मुनव्वर, अरे वो किंग तो मैं स्लेव हूं क्या साले, रिपोर्टिंग बंद कर दूंगा मैं बता रहा हूं। हां तो कुल मिला के बंटाई का डिस अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लोग बोल रहे बंटाई की पब्लिक बोल रही है, तो मैं सुन रहा हूं, अभी रैप आएगा तो सुनेंगे, बट जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, क्योंकि पूरव जा आ गया है। भाई साहब कितने लोगों को लपेटा है, मुनव्वर को लपेट लिया पूरव ने, जेन्युइनली मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। बोनी कपूर श्रीदेवी रफ्तार का डोमेस्टिक वायलेंस अरशद सब लपेटा है उसने, सबको लपेट लिया। मैं कहा भाई साहब दिल से नवाज भी निकला मेरे लिए, मरना तेरे को डर नहीं लगता? इवन एक पॉइंट में तो बंटाए को भी उंगली करी है, और फिर बंटाए को किंग वाले सेक्शन में दिखाया, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है पूरा किंग का सपोर्ट में जा रहा है, आ जाएगा ही ना। अबे समय रहना को ब्लो जॉब दिलवा दिया इसने, तो एक तो चीज समझ में आ गई, रफ्तार समय रहना और किंग ये सब एक पार्टी में आ रखे हैं। एम ए बंटाए हमेशा की तरह अकेला ही खड़ा है, उसके साथ उसकी बंटाई की पब्लिक ही है और कोई नहीं है। चलो देखते हैं इस बार क्या होता है, डिस तो आए पहले, अरे आ जा भाई, बाय गॉड इतना दिल से इंतजार अगर मैं अपनी एक्स का करता ना वो आ जाती, वो खुद आ जाती, कॉल तो आ ही जाती है वो खुद आ जाती, बट इसका डिस नहीं आ रहा। अरे भेज दे भाई दे दे, पूरब जाने इतने रैपर्स की नौटंकी कर ली, उसने आधे घंटे की वीडियो बना के डाल भी दी, डिस नहीं आया, डिस नहीं आया। भाई साहब कल को मोदी जी अच्छे दिन ला भी देंगे, रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा भी देंगे, मेरे अच्छे दिन शायद यूट्यूब पे आ जाए, पर डिस नहीं आया, मगर आया ना तू। हाँ तो अभिषेक आनंद के लिए आज इतना ही है, बाकी कल हमने सीजन पे किया था वो वीडियो नहीं देखी, देखो मस्त वीडियो है, बस खाते वक्त मत देखना, खाना पचा के देखना। अरे मैं बड़ी मुश्किल से खा के एडिट किया यार वो वीडियो। और फिर अभी हम लोग टिंडर फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहे हैं, मतलब अभी रिकॉर्ड करूँगा इसके बाद, पहले मैं रिकॉर्ड अभिषेक आनंद करता हूँ, इसके बाद ज्ञानी करता हूँ, बट आती ज्ञानी पे पहले है, यहाँ पे मैं लेट आता हूँ। हाँ तो 11 बजे लेके चला करूँ ये इस चैनल पे, 11 बजे तक आऊँगा मैं। बाकी लाइक कर देना और कमेंट में कुछ अच्छा लिख दो,
आदिवासी हेयर ऑयल करके मेरे जख्मों मत दिया करो, और फिर किंग मुनव्वर मुनव्वर की वजह से देख रहे हैं ये देख के नमक मत डाला करो, सारे सब्जी थोड़ी हूँ मैं जो बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, लीव अ लाइक। मैं मिलता कल, पीस आउट।